इस तरह की जगहों की एक अपनी वाइब होती है, और अगर तो आपको कोई पुरानी और ऑथेंटिक इस तरह की जगह मिल जाए तो मज़े दुबाले हो जाते हैं। तो भाई इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें आपको ऑथेंटिक जो स्ट्रीट फूड होता है ना वो कवर करके देने वाले हैं, चीप ऑथेंटिक और जो सड़कों के ऊपर आपको जो मज़ेदार किस्म का फूड मिलता है ना वो इस वीडियो के अंदर हम आपको एक्सप्लोर करके देने वाले हैं। स्टार्ट हम लोग करेंगे मेहर की अंडा टिक्की से, उसे शुरू करें। ओके जी, तो फाइनली सबसे पहले हमारी स्पॉट है मेहर कबाबों वाला, और इसकी लोकेशन अगर आप लोगों को गाइड करूं तो यार ये लिटन रोड है, महबूब आर्केड आपको नज़र आएगी ये बिल्डिंग, उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर इस साइड में बैठा हुआ है। आज अंडा टिक्की यहाँ पर ट्राई करते हैं और भाई देखते हैं क्या सीन चल रहा है। हैवी किस्म का रश लगा हुआ है बहुत ही, हम बाहर को नज़र आ रहे हैं टिक्कियों के, तो चेक करते हैं क्या सीन है। ओके जी, तो मेहर कबाबों वालों की अंडा टिक्की जो है वो मौजूद है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से बन रहा है, बड़ा ही रश लगा हुआ है यहाँ पे और बड़े ही हैवी और अंबार लगाए हुए हैं टिक्कियों के। भाई टेस्ट करके देख लेते हैं क्या सीन है। स्पेशल मज़ेदार सीन है यार अंडा टिक्की का। अंडी जो टिक्कियाँ हैं पहले से बना के रखी हुई हैं, वादू ही बना के रखी हुई हैं, दो दो तवे लगे हुए हैं यहाँ पे, और जो भी अंडा टिक्की बन रही होती है उसके अंडे खंडे डाल के थोड़े मसाले शाले डाल के काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का और ऑथेंटिक जो अंडा टिक्की का टेस्ट है बहुत ही मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, तो हमारा गुजर हुआ है अनारकली पैसा बाज़ार मार्केट के अंदर, और यहाँ पर हमें नज़र आया है भाईजान आगा चने वाला, काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है, काफ़ी गहमा गहमी है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा आवाम बैठ के यहाँ पर चने इंजॉय कर रही है। तो ट्राई करते हैं भाई इसके चने कैसे हैं। भाईजान कौन कौन से चने हैं? चने, कोफ्ता चने, अंडा चने, चिकन चने, कोफ्ता चने और अंडा चने, और इतवार के इतवार देसी मुर्गा। इतवार के इतवार देसी मुर्गा। अच्छा, तो हमारा ऐसे करें एक हाफ प्लेट लगा दें जिसमें चिकन भी डाल दें और एक कोफ्ता भी डाल दें। ओके जनाब, तो बहुत ही कोई हैवी किस्म की चनों की प्लेट हमारे सामने आ गई है, जिसमें आपको चिकन के पीसेस नज़र आ रहे हैं, कोफ्ता नज़र आ रहा है, बहुत ही सॉलिड किस्म की प्लेट है, और चने जो है ना वो काफ़ी मज़ेदार लग रहे हैं, कोई लाल लाल किस्म की तरी ऊपर आई हुई है, तो अब तो टेस्ट करने बनते हैं भाई, मुँह में फुल हैवी किस्म का पानी आ गया, उम्मीदें तो बहुत बांधनी हैं इन चनों ने, अब ट्राई करने पड़ेंगे कि भाई असल में इनका जायका है कैसा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे तीन चिकन के पीसीज आपको नज़र आ रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ व्लॉगर स्पेशल जो है ना उन्होंने बना के दिए हमें ये प्लेट, तो देखने में तो नंबर पूरे हैं भाई, अब टेस्ट करके देखते हैं सादा चने पहले कि क्या सीन है। यार बहुत ही उम्दा चने हैं, टेस्ट लाजवाब है चनों का। कोफ्ता, ओए कोफ्ता भाई, कोफ्ता बहुत नरम है, बहुत नरम कोफ्ता है, इसको ज़रा टेस्ट करते हैं चनों के साथ। कोफ्ते को जो एकदम से मैंने कोफ्ता पकड़ा, बहुत नरम कोफ्ता है, यार बहुत आला लाजवाब, बिल्कुल बैलेंस किस्म के जो है ना वो स्पाइसेस डाले हुए हैं, जितने स्पाइसेस होने चाहिए, जितनी जो है ना आपको मिर्चें फील होनी चाहिए उतनी हो रही हैं, बहुत आला यार, बहुत आला चने हैं। आई वॉज नेवर एक्सपेक्टिंग दिस। ओके जी, तो हम लोग पहुँचे हैं अपनी सेकंड स्पॉट के ऊपर, मुश्ताक कबाबों वाला है, और ये जो फरीदकोट रोड है बेसिकली जहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, उस सामने मेन जैन मंदिर है। ओके जी, तो मुश्ताक कबाबों वालों के स्पेशल कबाब जो हैं वो आ चुके हैं, और साथ पुदीने की चटनी बहुत ही पतली सी, तो इसको ट्राई करते हैं भाईजान के सीन क्या है कि बहुत ज़्यादा इसको यहाँ पर लोग पसंद करते हैं, और छोटी सी रेडी के ऊपर भाई साहब मुश्ताक जो कि 40-45 साल वो कह रहे हैं कि लगा रहे हैं, खुद तो नहीं होते, उनके भांजे हैं वो यहाँ पर लगाते हैं, तो टेस्ट करते हैं भाई, मुँह में फुल हैवी किस्म का पानी आ चुका है। हैवी यार इमेजिन करोगे कि इतना ज़बरदस्त किस्म का कबाब है बीफ का, रेडी छोटी सी है, लेकिन ये जो कबाब का सीन है ना इनका, लाजवाब सीन है बॉस, पहली बाइट में इसने हिला के रख दिया कबाब ने मेरे दोस्त, एंड कर दिया, एंड कर दिया भाई, नेक्स्ट लेवल सीन है, ट्राई करो जितनी जल्दी हो सकता है ये वाले कबाब जैन मंदिर पे आके मुश्ताक कबाबों वालों से ट्राई करो, 5 बजे तक ये यहाँ पे बैठा होता है,
आओ इसके पास, एक कबाब डेफिनेटली ट्राई करो। आज हमारा मिशन जो है वो है बट तवा कीमा खाने का। अब बट तवा कीमे वाले बहुत है, लेकिन ये वाला जो तवा कीमा है ना वो रोड साइड के ऊपर लगाता है। संडे के संडे पिछले 60 साल से यहाँ पर उर्दू बाजार के अंदर तवा कीमा लगा रहा है। तो आए जरा इस तवा कीमे का सफर जो है वो शुरू करते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर रश का अंदाजा लगा सकते हैं कितनी आवाम जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। और यहाँ पर हमारे सामने सामने ऑलमोस्ट कोई 5 से 7 तवे जो है वो बन के बिक चुके हुए हैं। अच्छा जी, तो फाइनली बट साहब का कीमा हमारे पास जो है वो आ चुका है। ज़बरदस्त किस्म का कीमा है भाई, प्याज अंदर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, हरी मिर्च टमाटर के अंदर बना हुआ कीमा। और ज़बरदस्त चीज़ इसकी ये है कि ये जो नान है ना, वो कीमा जब बन रहा होता है उसके ऊपर नान रख के इसको जो गर्म किया जाता है ना, उसका जो मॉइस्चर है कीमे का और उसका जो फ्लेवर है वो सारा नान के अंदर रच बस जाता है। तो भाई कीमा ट्राई करते हैं और देखते हैं कि भाई बट साहब के कीमे के क्या शशके हैं। यार आउटस्टैंडिंग, प्याज का और टमाटर का फ्लेवर जो है वो प्रोमिनेंट हो रहा है, और साथ जो कीमा मज़ेदार सी में, यार मज़ेदार। ओहो, मजंग राउंड अबाउट के पास ऐसे बाबा जी हैं जो पिछले 60 साल से आपको एक छोटी सी दुकान के अंदर बहुत ही कमाल का बारबेक्यू खिला रहे हैं। तो आए जरा उनके शशके चेक करते हैं। अब ये नाम क्या है दुकान का? दुकान तो नहीं है, ये दुकान नाम ये नाम है ये नाम तो अच्छा, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? 60 साल हो। 60 साल? 60 साल, माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? हमारे नाम को क्या करना आपको? लिखेंगे ना नाम आपका, ताकि लोग पहुंचे आपको। ये मजाजुम घंटा घर एक ऐसा बड़ा, तुम्हें ये कुतुबा चौक है, घंटा घर है, इतना बड़ी मशहूर ही। बाबा जी रेट बड़े मुनासिब रखे हुए हैं आपने, गुजारा कैसे हो रहा है? अल्लाह की रहमत, अल्लाह का लाख लाख अल्लाह बरकत देने वाला। ओके जी, तो फाइनली बेनामी बारबेक्यू हमारे सामने आ चुका है, जिसमें हमने एक दुमची, ये दुमची है भाई, और इसमें हमने एक जो है वो लगवाया पोटा, उसके बाद एक टिक्का है और एक जो है वो कबाब है। तो हम सोचा सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो है वो टेस्ट कर लें। तो सबसे पहले भाई ट्राई कर लेते हैं बीफ के कबाब से। तोड़ने में जो पता लगा ना कबाब का, बहुत ही हैवी किस्म का सीन जो है वो इस कबाब का लग रहा है। ओह हो, निहायत स्पाइसी उमदा किस्म का कबाब है। लुत्फ आ गया पहली बाइट में, जिसे कहते हैं ना पहली बाइट में मज़ा आ गया, वो आ गया, यानी कि चस आ गई है। उसके बाद चलते हैं टिक्के की तरफ। ओए होए यार, फुल स्पाइसी है टिक्का, इतना स्पाइसी नहीं है जितना ये कबाब स्पाइसी है, लेकिन बहुत ही उम्दा टेस्ट है यार। इस कोयलों की फुल तपिश के ऊपर जो है ये बना रहे हैं बाबा जी, और लगातार जो है वो पंखी अपने हाथ से हिला रहे हैं और बिल्कुल जलने नहीं दे रहे। अच्छा जी, ट्राई करते हैं इनका कोटा। यार बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मसाले जो है वो यूज़ किए हुए हैं, ख़ासतौर पे दड़ा मसाले, मतलब जो कुटे हुए मसाले होते हैं ना वो यूज़ किए हुए हैं, पिसे हुए मसाले नहीं हैं। अच्छा, लास्ट में हम लोग जो है वो दुमची ट्राई करेंगे, और दुमची का साइज़ जो है यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, बाकी टेस्ट में मुझे लगता है बहुत ही आला होगा। यार दुमची भी जो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन सबसे मज़ेदार जो मुझे चीज़ लगी है ना वो इनका बीफ कबाब लगा है। इंतहाई स्पाइसी, इंतहाई मज़ेदार किस्म का ऑथेंटिक बीफ कबाब अगर आपने खाना है ना, तो यहाँ पे आप बाबा जी के पास आएँ, आपको एंड लेवल का बीफ का टेस्ट जो है वो यहाँ पर मिलेगा। ओके जी, तो लंच का टाइम हो चुका है और इस वक्त हम लोग खड़े हैं बादामी बाग के अंदर, और आपको यहाँ पर कोई स्पेशल किस्म की काली मिर्च की बिरयानी टेस्ट करवाएंगे, कमाल के हैवी शशके होने वाले हैं। भाई साहब फुल हैवी सीन यहाँ पर ऑन है, बिरयानी के यहाँ पर शशके चल रहे हैं ना उस्ताद, हैवी सीन है। लें जी, तो फाइनली हमारे पास दी मशहूर स्पेशल काली मिर्च वाली बिरयानी जो है वो मौजूद है। और ये फुल प्लेट है, 170 की प्लेट है, जिसमें शामी है, एक चिकन का पीस है और साथ चावल है। पहले सिंपल चावल ट्राई कर लेते हैं भाई। यार स्पेशल चीज़ है बॉस। अच्छा यहाँ पे जो है ना वो रायता डाला हुआ है इसके ऊपर, तो मैं रायते के बगैर जो है वो एक चम्मच ट्राई करना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, बहुत उम्दा, आउटस्टैंडिंग है। एक दफ़ा ये ट्राई करना तो मस्ट बनता है, अगर आप फूडी अपने आप को कहते हैं, और अगर आपने ये बिरयानी ट्राई नहीं की
तो मैं कहता हूँ आपने बहुत कुछ मिस किया हुआ है, तो डेफिनेटली एक दफ़ा ये बादामी बाग के अंदर काली मिर्च की बिरयानी ट्राई करना मस्त है।